यस बैंक, जहां मार्केट में एक तरफ आज के दिन काफी बड़ी गिरावट थी, वहीं यस बैंक के अंदर आज के दिन भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। यस बैंक को लेकर आज के दिन दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और इसकी शेयर प्राइस ऑलमोस्ट डबल होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा जानी मानी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से टारगेट निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ यस बैंक को लेकर दो और बड़े खुलासे मैनेजमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक तरफ आज के दिन हमें सेंसेक्स के अंदर 1.4% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि लगभग 880 पॉइंट की गिरावट हमें सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली। वहीं अगर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की बात करी जाए तो वहां पर भी हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर हमें 1.3% की गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर, और निफ्टी बैंक के अंदर आज के दिन हमें 1.2% यानी कि ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी PSU बैंक के अंदर भी आज के दिन हमें 1.8% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से आज के दिन नेगेटिव था, लेकिन यस बैंक की जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो अभी भी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बात करें सबसे पहले इस गिरावट के पीछे की वजह क्या थी, कल के दिन फेड की मीटिंग्स थे और कल के दिन जैसे ही फेड की मीटिंग्स के आउटकम्स निकल कर आए, जिसमें फेड की तरफ से अगेन इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में हमें कल के दिन ही प्रेशर देखने को मिल गया था और उसी का एक नेगेटिव इंपैक्ट आज के दिन हमें भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी देखने को मिला है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आज के दिन आप यस बैंक की ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे, 22 रुपये पर शेयर ओपन होता है, 22 रुपये 90 पैसे का हाई बनाता है और सिर्फ 21 रुपये 45 पैसे का लो बनाता है। यानी कि जो इन्वेस्टर इस शेयर्स को लेकर इंट्राडे में 20-20, 19-19 रुपये के टारगेट दे रहे थे, उनकी टारगेट भी आज पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि यस बैंक एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गया है और अब हमें यहाँ पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। पिछले एक महीने के अंदर यस बैंक का शेयर 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है और इसमें से पिछले 5 दिन के अंदर ही 13.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बात करें यस बैंक के वॉल्यूम बेस्ड काम के बारे में, क्योंकि पिछले एक वीक के अंदर यस बैंक का जो वॉल्यूम बेस्ड काम है उसमें काफ़ी बड़ी तेजी आई है, क्योंकि यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ चुका है। आज के दिन भी यस बैंक के अंदर 62 करोड़ क्वांटिटी NSE और BSE में ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रही है। और अगर वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो NSE और BSE के अंदर आज के दिन भी अगेन हमें यस बैंक का शेयर टॉप वॉल्यूमर्स में देखने को मिला है। यानी कि यस बैंक का शेयर्स के अंदर अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पर हमें सुजलॉन एनर्जी का नाम देखने को मिल रहा है, जहां पर आज के दिन हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। और थर्ड नंबर पर हमें यूको बैंक का नाम देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यस बैंक को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। उसके पहले अगर बैंकिंग सेक्टर शेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करी जाए लास्ट 1 वीक की, तो यस बैंक सेकेंड पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर धनलक्ष्मी बैंक के, जहां पर पिछले 1 वीक के अंदर 36% के रिटर्न है, वहीं यस बैंक के 28.6% के रिटर्न है। यानी कि बहुत ही शानदार रिटर्न यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अब बात करें कि आज के दिन अगर गिरावट हुई भी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने को मिली भी है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती भी है, तो उसके दो प्रोस्पेक्टस होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो कुछ ब्रोकरेज फंड हाउसेस की तरफ से इसको नेगेटिव रेटिंग दी जा रही है और कंटिन्यूसली रिटेल इन्वेस्टर से यहां पर माल छीना जा रहा है। आप देख सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से यस बैंक को लेकर जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो काफी चौंकाने वाली है। वहां पर कहा गया है कि यस बैंक का शेयर करंट प्राइस से लगभग 28% तक फॉल होते हुए देखने को मिल सकता है और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो अगेन हमें 16 रुपीज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट की तरफ से जो ये रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर सरप्राइज एट द वैल्यूएशन एट विच यस बैंक इज ट्रेडिंग एंड रियल रेट अवर नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यस बैंक का जो शेयर जिस प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 22 रुपीज की प्राइस पर, उसे यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के जो हेड हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली की बात करें तो वहां पर भी यस बैंक को लेकर अंडरवेट की रेटिंग दी गई है। कल के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई थी और इसी के बाद में यस बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली की तरफ से यस बैंक को लेकर जो टारगेट प्राइस दिए गए थे वो 20 रुपीज 50 पैसे के दिए गए थे। यानी कि करंट प्राइस से 8% का फॉल हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन
अगर हम दूसरे ब्रोकरेज फंड हाउसेस की बात करें तो वहां पर यस बैंक को लेकर बाय की रेटिंग दी जा रही है और लगभग 25 रुपीज से 31 रुपीज तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। जीपीएल कैपिटल के विज्ञान सावंत का कहना है कि यस बैंक का शेयर 19.45 रुपए पर कई सालों के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, जिसके चलते यहां पर भारी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है और एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर टिका हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अब ये शेयर हमें 32 रुपीज तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यस बैंक के अंदर सभी ब्रोकरेज फंड हाउसेस की तरफ से जो स्टॉप लॉस है वो 17 रुपीज से लेकर 19 रुपीज के बीच में ही दिया जा रहा है। वहीं यस बैंक की लॉक इन पीरियड जो है वो भी हमें मार्च में खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसी के कारण बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि यस बैंक के अंदर जैसे ही लॉक इन पीरियड कंप्लीट होगा यहां पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें मेनली आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से हमें ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले जब यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था तब यस बैंक की शेयर प्राइस हमें ऑलमोस्ट 10 रुपए से लेकर 12 रुपए के अराउंड देखने को मिल रही थी और अब उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है, तो वो यहां पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में कुछ और ब्रोकरेज फंड हाउसेस की बात करें, जैसे कि वैशाली पारेख और प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इस शेयर्स को लेकर काफी शानदार टारगेट दिए गए हैं। लगभग 28 रुपए से लेकर 32 रुपए के टारगेट इनिशियल टारगेट दिए गए हैं और नेक्स्ट 2 to 3 months के अंदर 37 रुपीज के टारगेट दिए गए हैं। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें तो 18 रुपीज के स्टॉप लॉस को यहां पर अगेन कंसिडर किया गया है। वहीं अगर हम बात करें GCL सिक्योरिटीज के हेड रवि सिंगल की, जो कि यहां पर CEO हैं, उनकी तरफ से यस बैंक को लेकर 44 रुपीज के टारगेट दिए गए हैं, यानी कि करंट प्राइस से शेयर ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा रवि सिंगल का मानना है। उसके पीछे की कुछ वजह भी हमें देखने को मिली है। रिसेंटली RBI की तरफ से जो फंड रेजिंग को लेकर अप्रूवल यस बैंक की तरफ से यस बैंक को मिली है कार्ले और एडविन इंटरनेशनल की तरफ से, उसके कारण हमें शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रिसेंटली यस बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया है और साथ ही साथ कार्लिल और एडविन इंटरनेशनल के एक एक मेंबर को बोर्ड के अंदर अपॉइंट भी कर लिया गया है। अब बात करें कि यस बैंक के अंदर कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, तो यस बैंक के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी तो 18 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी हमें नेगेटिव देखने को मिल सकता है। रिसेंटली बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से जो आज के दिन मीटिंग थी उसके आउटकम्स निकल कर आ चुके हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी सिंस 2008 के बाद में अभी तक की हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है। तो अल्टीमेटली बाजार के ऊपर कल के दिन भी हमें ग्लोबल प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिस कारण से गिरावट हो सकती है। तो यस बैंक के अंदर भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।